जाते हैं तो कश्ती वाले पे दोनों बैठते हैं, अकेले नहीं, अकेले बैठने से डर लगता है। नहीं भैया जान, भूत बंगला देखे सामने? क्या देखना है? भूत बंगला। भूत बंगला? हाँ। कहाँ पे है? पता करते हैं वहाँ से। देखे उन्हें जो है पकड़ लिया मछली, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। तो आपने कितने पकड़ी हैं भाई अभी तक? अच्छा भाई ने काफ़ी जो है पकड़ी हुई है, कूलर के अंदर इन्होंने रखी हुई है। जो है बोट चल रही है, एक दो तीन और तीसरी वो रही, चौथी वो एंड में, और एक और है वो बहुत पीछे आ रही है, वो मेरी उंगली की डायरेक्शन में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी एहतिशाम अली, यू आर वाचिंग ओवर यूट्यूब चैनल स्फेरा एहतिशाम ब्लॉग। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल बनाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो एज़ यूजुअल जी हम रेडी हो चुके हैं और आज नया लुक के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी वाइफ के साथ, सवेरा के साथ। जी मैडम ने कैसी ड्रेसिंग की है आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल फुल जो है ना मर्द बन गई हैं। तो जी हम जा रहे हैं दो दरिया की साइड और आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि माइक का जो नॉइज़र था नॉइज़र गुम हो गया। तो अभी देखते हैं फिर चक्कर तो में जाके, अगर आवाज़ आती है तो सही है, नहीं तो नॉइज़र कहीं से लेना पड़ेगा, मिल जाता है तो उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। टायर पंचर हो गए गाड़ी का, तो अब वो बनवा रहे हैं, तो पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, कोई आइडिया नहीं है हमें। तो जी हम दो दरिया की साइड जा रहे हैं, लेकिन ये पीछे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, और जो है मैडम मुझे गलत ले आई है गलत रास्ते पे, हम घूम रहे हैं देखते हैं। एहतिशाम जो है इतनी ऊंचाई से नीचे आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो नीचे आ गई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही, आप खुद ही चला कर आओ। ये देखें सो फाइनली आई रीच, ये देखें जी, तो हम दो दरिया जो हैं पहुँच गए हैं। तो एहतिशाम जो है गाड़ी पार्क कर रहे हैं भैया, फाइनली हम जो है दो दरिया आ गए, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं सामने जो है बोट चल रही है, एक दो तीन और तीसरी वो रही, चौथी वो एंड में, और एक और है वो बहुत पीछे आ रही है, वो मेरी उंगली की डायरेक्शन में देखेंगे, तो एक वो भी है, तो काफ़ी अच्छा है व्यू है यहाँ का, आप भी देख सकते हैं ये बैक एरिया। देखते हैं कितनी दूर बोतल दे मैं पानी में फेंकूंगी, और मैडम कह रही हैं कि मैंने बोतल फेंकनी है पानी में, तो चलें जी फेंकें, आप देखते हैं कितनी दूर फेंकती हैं आप। ये तो ये जाके गिरी है, इतनी दूर तो गई नहीं, फेंकी तो ना फिर भी गई तो है पानी में, वो देखो जानो छोटे। तो जी हम आज जो है दो दरिया आ गए, यहाँ पर थोड़ा जो है टिकटॉक्स जारी से बात वो भी बनानी है, और जो है साथ अपना आज माइक ले आए थे, क्योंकि हमें पता कि दो दरिया की साइड बड़ी जो है हवा होती है, लेकिन रास्ते में आते हुए जो है माइक की जो नॉइज़नर होता है नॉइज़ जिससे जो है रुक जाती है, वो हमारा कहीं गुम गया है, तो अभी शोर तो आ रहा होगा, मैडम ने घुमाया है, मैडम ने कहीं गुम कर दिया उसको। तो आज ये देखें इन्होंने ड्रेसिंग भी की जाए मर्दों वाली की, वह कह रहे मैंने मर्द बनना है, तो मेरे शूज़ और कपड़े और वॉच भी पहनी हो, वॉच तो दिखाओ, ये देखिए मेरी वॉच, शादी की है, हाँ मेरी शादी की वॉच। तो आते हुए जी हमने जो है ट्राईपॉड भी ले लिया था, क्योंकि हमें पता था कि जो है फ़ोन को हाथ में जो कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने जो है ट्राईपॉड भी ले लिया था। तो यहाँ पर हम अभी टिकटॉक्स भी बनाएंगे, आपने टिकटॉक बनानी है? हाँ बनानी है, ज़ाहिर सी बात है, चलें तो टिकटॉक तो बनाऊंगी ना, चलें जी टिकटॉक बनाते हैं, उसके बाद तस्वीरें लेंगे और फिर व्लॉग को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लोग ये देखें यहाँ पे जो है मछलियाँ भी पकड़ कर रहे हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, और सामने आपको एक वो आदमी दिख रहा होगा, वो जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो देखो छोटी 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 सी मछलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, चश्मा उतार के देखें, वो आपको अगर मैं दिखाऊँ जूम करके तो आपको भी शायद दिखे, मुझे तो नज़र आ रही है, हाँ कैमरे में आ रही है आपको, छोटे छोटे ये जो आपको कीड़े नज़र आ रहे होंगे ये कीड़े नहीं हैं, ये मछलियाँ। भाई के पास आया हूँ, भाई को बोलता हूँ अगर भाई दिखाते हैं, ये फिशिंग कर भी रहे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे जाके,
तो ये इन्होंने जाल जो है फेंका हुआ पानी में, तो अगर वहाँ से कोई आती है तो वो भी दिखाता हूँ, और जो भाई ने पकड़ी हैं वो भी दिखाता हूँ। उन्होंने जो है पकड़ लिया मछली, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। तो आपने कितने पकड़ी हैं भाई अभी तक? अच्छा भाई ने काफ़ी जो है पकड़ी हुई है, कूलर के अंदर इन्होंने रखी हुई है। भाई का कहना है कि ये जहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होती हैं, कोई एक ही किस्म की नहीं होती, काफ़ी किस्म की मछलियाँ होती हैं, तो कोई एक नहीं है, तो काफ़ी सारी है। वो उंगली के डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। जो है उन्होंने दो दरिया देख भी लिया, इंजॉय भी कर लिया। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं पार्क में, हमने जो भी टिकटॉक्स वगैरह बनानी थी और जो भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करने थे वो हमने कर लिए, और अभी इंशाल्लाह हम जाते हैं दूसरे कोई पार्क वगैरह में जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऊंचाई है यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई की तरफ जो है बाइक का, यहाँ से कोई बाइक जाने का रास्ता नहीं है, तो ये ऊंचाई से ही जाएगी बाइक। तो मुझे तो जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं जो है यहाँ से बाइक पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती एहतिशाम के साथ। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, और एहतिशाम जो है पीछे बाइक लेकर आ रहे हैं, वो हैं सामने और आ रहे हैं ऊपर की तरफ। या खुदाया, हम जो है अब्दुल्ला शाहगाज़ी मज़ार के पास जो है एक झूले वाला पार्क, हमें तो कहीं और नहीं मिला, तो मैडम ने झूले झूले थे तो यहाँ पर हम आ गए। मैं आपको व्यू एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सारे जो है झूले, तो काफ़ी ज़्यादा झूले हैं जी यहाँ पे, तो झूलते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं, बने रहिए व्लॉग पर। सर जी ये बोल रही हैं कि मैंने पीछे जो है वो डॉजिंग कार, और मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे वहाँ बिठाएं और ये मुझे बिठा नहीं। नहीं वहाँ पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं इनको गाड़ी चलाना नहीं आती, इस वजह से नहीं आती है, मुझे ड्राइव करना आती है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला लेती तो ये तो। आप कौन सी गाड़ी चलाती है, वो जिसको पीछे करके छोड़ते हैं वो जो चलती है खुद? नहीं वो वाली नहीं, दूसरी वाली गाड़ी में चला लेती, दूसरी वाली गाड़ी। अच्छा मैं आपको कभी ड्राइव करते हुए आपको दिखाऊँगी वीडियो। अच्छा जी चले चलते हैं, अगर टिकट मिल गया तो इनको डॉजिंग कार में बैठाते हैं। तो फाइनली जी हम आके बैठ गए डॉजिंग कार पे, तो देखते हैं कैसी ड्राइव करती हैं। तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, पीछे से धक्के वक्के भी बड़े लगेंगे। तो है मैं जो गाड़ी चला रही हूँ, और शाम के इनको तो गाड़ी चलाना आती नहीं है, और देखिए धक्के वगैरह लगेंगे। अभी आपने देखना आगे आगे देखना होता है क्या हमारे साथ, ये ड्राइव कर रही है। और शाम का जो है मोबाइल एक जगह टिक नहीं रहा, और कभी यूँ हो रहा है कभी यूँ हो रहा है, लेकिन गलतियाँ खा रहे तो जी हमने डॉजिंग कार से डॉजिंग कार की सवारी ले ली, उसके बाद हम बाहर आ गए और आगे अभी जा रहे हैं आगे की तरफ, और देखते हैं और बाकी झूले भी देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें ब्लॉग पर और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर आगे बैठे हैं, पीछे ही आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का फुल्का जो है, हमने सोचा कि कुछ खा लें स्नैक्स टाइप, तो यहाँ पे जो बेंच वगैरह लगे थे यहाँ पे आकर बैठे और देखते हैं कि हमने क्या खाना है। तो हमने खाने के लिए एक चना चाट मंगवाया, वो आता है तो देखते हैं कैसा है, तो आपके साथ भी उसका टेस्ट शेयर। तो यहाँ पर हम बेंचेस लगे हुए यहाँ पर बैठते हैं, और अगर कुछ देखते हैं अगर कुछ खाना हुआ तो सामने भी झूले हैं और भी झूले खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा भी देखें, और सामने ये जो है स्लाइडिंग कार है, ये कार आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर की तरफ आपको एक कार दिख रही होगी, सॉरी वो फ़ोन नीचे की तरफ हो गया था, ये कार आप इसको देखते रहिएगा, यहाँ से ये स्लोली जाएगी और आगे जाके ये बहुत ही फास्ट हो जाएगी, यहाँ से इसको स्लोली जो है डाउन हो रही है, ये देख सकते हैं बिल्कुल स्लोली हो रही है, और यहाँ पे जैसे ही आएगी और बहुत ही स्पीड के साथ, ये देख सकते हैं बहुत ही स्पीड के साथ नीचे की ओर ये ऊपर आ गई है। तो ये नीचे की तरफ है, हमारा चार्ट भी आ चुका है, इसको टेस्ट करेंगे और आपके साथ टेस्ट भी शेयर करेंगे, तो बने रहें व्लॉग कर और उसका टेस्ट हम चेक कर। तो इनका जो चार्ट था बिल्कुल ही बेकार था, बिल्कुल उसमें टेस्ट नहीं था किसी भी चीज़ का, पता नहीं चला था इसमें क्या चीज़ डली हुई है क्या नहीं डली हुई है, बिल्कुल जो है बेकार जो है इनका चार्ट था। तो अभी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो ये देख सकते हैं मैडम जो है कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, और मैं भी पीऊँगा और उसके बाद फिर तो जी हमने जो है हम डिसाइड कर रहे हैं कश्ती पे कौन बैठेगा, मैं तो कह रही हूँ कि मैं कश्ती पे नहीं बैठती, अच्छा हम तुम
कश्ती में बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बैठ चुकी हूँ कश्ती। नहीं, कश्ती पे मैं भी जो है पहले काफ़ी बार बैठा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बैठेंगे तो नीचे से, जारी सी बात है, एक बंदा जो व्लॉग बनाने के लिए हो तो मैं नीचे से जो है व्लॉग बनाऊँगा, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप बैठ जाओ कश्ती पे, तो इसको मैं कश्ती पे बैठाता हूँ। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखा, तो ये आप देख सकते हैं अभी तक तो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी तेज़ चल रही है। यहाँ से आपको कैमरा में शायद नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी ऊपर जा रही है ये। अभी तो स्लो हो गई है, अभी स्लो हो गई है वैसे, लेकिन तो फिर कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है? बाकी ऑप्शंस भी हैं, ये पीछे जो है बलून्स वगैरह भी लगे हैं, मैं इनका बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठें, नहीं तो वो कार्स हैं, कार्स में बैठेंगी यार, वहाँ पे भी है, उस एरिया में भी हैं, देखते हैं अगर कहाँ बैठते हैं। ये कश्ती पे क्यों नहीं बैठ रही, इन्होंने मुझे अभी बताया, तो इनसे पूछते हैं ये कश्ती पे क्यों नहीं बैठ रही। क्योंकि मुझे डर लगता है कश्ती पे बैठने से, क्योंकि कश्ती बहुत ऊपर जाएगी और अकेली में कैसे बैठूँगी। अच्छा, इनको डर लगता है, कह रहे हैं ये देखें पीछे बलून्स कितने अच्छे लग रहे हैं जी, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ जाते हैं ना। नहीं, यहाँ पर ये बच्चों का झूला ना, देखें तो क्या वो बच्चे बड़े भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई ऐसा मसला थोड़ी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, गोल घूमने से इसको सर में दर्द होगा और चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कश्ती से ये डरती हैं जी, इन्होंने बता दिया है, तो बाकी भी ऑप्शन अगर उस कार में बैठना है आपने तो बताओ, बैठोगी? नहीं, उस कार में बहुत ज़ोर से धक्का लगता है, धक्के की वजह से जो है ना ऐसे नहीं मैं नीचे गिर जाऊँ, बेल्ट भी नहीं है ना उसका तो। जी बिल्कुल, सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, तो चलें उस साइड भी चलते हैं अगर देखते हैं कुछ है, कोई देखते हैं उस तरफ इंजॉय करके फिर। तो यहाँ पर इन्होंने अगर लॉकर्स वगैरह देखने थे, देखते हैं अगर कोई लॉकर्स उनको समझ आती है। कौन सा लॉकर चाहिए? ये नहीं, मैं कहती कि दिल टाइप होते हैं, दिल होता है लेकिन वो बीच में कट होता है। अच्छा, दिल बीच में कट होता है, वो कितने प्यारे लग रहे हैं जाने दे। हाँ, ये क्या है? जाने झूमर है। झूमर है, वाह माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आ जाओ जी, इनको लॉकेट नहीं मिला, अभी उस साइड पे चलते हैं और देखते हैं अगर कोई झूला समझ में आता है तो वहाँ पे बैठते हैं। अभी ये सामने जा रही है जी, कप पे इन्होंने तस्वीर बना ली है, कप्स पे बनानी है या शर्ट पे, कुशन्स पे भी बनाते हैं वैसे, काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास, ये वाला 600 कप पे भी बनाते हैं। और ये भाई इसके क्या प्राइस है? 600 और इसके मोबाइल कवर पे, मैं तो कहता हूँ मोबाइल कवर पे बनवा लेते हैं, हाँ है ना, शादी की बनवा लेते हैं हम अपने, बनवा लें, हाँ देखते हैं इसमें है भी नहीं। हम ये कवर पे बनवाना चाह रहे थे, लेकिन इसका ये जो साइज़ है ना बहुत मोटा है और हाथ में जो है ना अनकम्फर्टेबल सा लगेगा, तो इस वजह से मसला होगा ब्लॉग के दौरान। सामने जी एक और वो झूला है, वो राउंड राउंड घूमता है, तो बैठना है उस पर, बैठे हाँ, मैं नहीं बैठूंगा, तुम बैठो, साथ बैठेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे चक्कर आते हैं, गोल गोल घूमता है, मैं नहीं, तुम डिसाइड किया कि ये यहाँ पे ये बैठ, तो ये जा रही है जी बैठने के लिए, वो भाई जो है अभी टिकट ले रहे हैं सबसे, टिकट चेक करेंगे। और जी स्टार्ट हो चुका है झूला चलना, और अभी सवेरा जैसे ही आती है तो मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सामने जा रही है, बहुत सामने, काफ़ी मुश्किल होता है जी ऐसे झूले में बैठना, उसने तो अपनी जो है आंखें भी बंद की हुई हैं, तेज़ चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो अभी ये सीधा चल रहा है और बाद में ये उल्टा भी चलेगा, ये आहिस्ता हो रहा है और फिर इसको जो है रिवर्स रोटेट पीछे की तरफ चलेगा, अभी ये देख सकते हैं जो है पीछे की तरफ वापसी रोटेट गोल गोल घूमेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो क्या पता उसकी तबीयत ना ख़राब हो गई हो, रुक चुका है जी, अभी देखते हैं अगर वो कहाँ से आती है, उसकी तबीयत भी मुझे लगता है ख़राब हो गई होगी, क्या हुआ? तबीयत ख़राब तो नहीं है? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, सही है ना, अच्छा था, लेकिन मतलब काफ़ी चक्कर आ रहे थे उसकी वजह से, वो जो बॉल घूमते ना, तो बॉल घूमने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही है, उनकी वजह से जो है मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब। जी ये कह रही है कि काफ़ी जो है अच्छा लगा, लेकिन गोल गोल घूम रहा था उसकी वजह से, जारी सी बात है, थोड़ा बंदे का दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, एक मतली आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे जो है दूसरा म्यूज़िक लग रहा था, अगर ये मैं क्लिप चेक करूँगा इस क्लिप में अगर वो साउंड आ रही है, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू होता है, अगर वो सॉन्ग आ रहे हैं तो मैं इससे जो है क्लिप को जो है रिमूव कर दूँगा, साउंड को रिमूव कर दूँगा, क्लिप तो रिमूव नहीं करूँगा, फिर उसको वॉइस ओवर करूँगा, तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं अगर, तो अभी कहीं चलना है और नहीं, अब तो कहीं नहीं जाना, अब कहाँ जाना है?
चलें जी, हम डिसाइड करते हैं, और जब तक आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जी ये सामने जा रही है, यहाँ पे इसको एक लॉकेट चाहिए, तो देखते हैं अगर लॉकेट वगैरह मिलता है। दिल वाले होंगे, दिल नहीं, छोटा सा, छोटा मैग्नेट वाला, दो यहाँ पे हैं, जैसे इनको चाहिए, छोटा चाहिए इनको, दो मैग्नेट वाला। यहाँ पे इनको एक मिला है, इसको उठाए, वो चैन जो है ना वो अच्छी नहीं है। नहीं भाई, भैया हमें जो है ना चाहिए इसी तरह का, लेकिन वो थोड़ा छोटा चाहिए, मैग्नेट में चाहिए, छोटा हो, मैग्नेट में नहीं है, खत्म हो। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं कि हमें ऐसा मैग्नेट मैग्नेट में चाहिए था, लेकिन इनके पास नहीं है अभी अवेलेबल, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर मिलता है हमें कोई। दिल वाला वो देखो, दिल वाला तो हमें जी उस टाइप का चाहिए था, मैग्नेट में छोटा चाहिए था, लेकिन भाई के पास अभी अवेलेबल नहीं है, इस तरह के हैं, लेकिन ये हमें अभी नहीं चाहिए। तो जी अभी एक ये भी है बलून्स का, मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो बैठोगी इसके ऊपर? नहीं यार, बस एक झूला झूल के मैं थक गई। ये कह रही हैं जी थकी हूँ, वहाँ पे पीछे भी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के, तो वहाँ पे तो नहीं बैठ सकते, तो देखते हैं अगर यहाँ पे कहीं और। वो कश्ती वो रही सामने, लेकिन जो है उसका कोई सेफ्टी का इंतज़ाम भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा हाइट पे जाएगी तो इनके लिए शायद इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए उसके ऊपर बैठना हमने कैंसिल कर दिया। जान, भूत बंगला देखे सामने? क्या देखना है? भूत बंगला। भूत बंगला, हाँ। कहाँ पे है पता करते वहाँ से देखें। चलें जी सामने चलते हैं और देखते हैं अगर भूत बंगला है कहीं, तो वो आपको भी दिखाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होगा, है ना, लगता है आओ कहीं पूछ के देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी सारे बच्चों के जो है झूले हैं, सारे यहाँ पे बच्चे हैं फैमिलीज़ के लिए, ये देख सकते हैं आप, सारे जो है फैमिलीज़ हैं और बच्चों के लिए जो है सेटअप है सारा। तो यहाँ पे मैंने पूछा है भूत बंगला तो नहीं है, अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है भूत बंगला नहीं है, यहाँ पे बंगला था लेकिन अब वो बंद हो गया है। हाँ कहते हैं कि पहले था लेकिन अभी नहीं है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो मेरी उंगली की डायरेक्शन में देखें तो कह रहे हैं इसके पीछे था लेकिन अभी नहीं है, तो लग रहा है मुझे, तो मैं तो कहता हूँ एक बार बैठ जाओ तुम उस पर। हाँ अगर बैठते हैं तो कश्ती वाले पे दोनों बैठते हैं, अकेले नहीं, अकेले बैठने से डर लगता है। नहीं कश्ती पे दरअसल में ये सीन है कि वहाँ पे जो सेफ्टी नहीं है और फ़ोन हम पकड़ नहीं पाएंगे, एक बंदा नीचे से अगर ब्लॉग शूट करे तो फिर सही है, लेकिन वहाँ पे जो है सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह या इस तरह से कोई भी सेफ्टी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक झूला है, तो मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको इस तरह का, लेकिन या आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, अल्लाह ना करे अगर कहीं बंदा गिर जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो बैठना है तुमने इसके ऊपर? नहीं, ये जो झूला है ना ये बंद है। तो अच्छा ये बंद है? हाँ ये बंद है। क्यों? क्योंकि काफ़ी रश नहीं है, रश की वजह से जो ये बंद है, संडे वाले दिन ज़्यादा रश होता है तो संडे वाले दिन इसको खोलते। अच्छा जी, इसको संडे वाले दिन खोलते हैं, छुट्टी वाले दिन खोलते हैं, ताकि ज़्यादा जब रश होता है तो उस क्राउड के लिए फिर ये झूला भी खोला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है। ये सामने मेरे बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये कश्ती है तो ये चलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जाती है और सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर। देखिए चलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप जो है बने रहें ब्लॉग पर। और ये इसी वजह से नहीं बैठ रही क्योंकि कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, इस वजह से ये डर रही है। तो देखें चलना शुरू हो गई है, ये देखें बहुत ज़्यादा हाइट पे जाती है, ये बैक साइड से ऐसी है और ये काफ़ी ऊपर जाती है, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा से हाइट पे जाती है, यहाँ से वो हाइट पे जा रही है, देखिए इससे भी और वहाँ से वो जा रही है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, तो इस वजह से हम बैठ नहीं रही। शाम मुझे इस पर बिठाना चाह रहे थे और कहते आप इस पर जाके बैठो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था कि अगर आपने बैठना है तो बैठो, मैंने इतना फोर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी वगैरह नहीं थी। देखते हैं आप कितनी ऊपर ये जाती है, ये देखें, देख सकती हैं, ये देखें। अगर यहाँ से कोई नीचे गिरेगा तो मतलब उसके बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेफ्टी तो है नहीं, जाहिर सा जो गिरा अल्लाह ना करे तो वो तो गया सीधा ऊपर। एक बच्ची है, उसके वाइट आप बाल देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट है, तो ये इसके बाल देखें ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो यूएसए से आया हुआ है, यूएसए से आया होता है, डाई करवाए होते हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल वाइट बाल हैं बच्ची के। हमारे आगे देखिए अंकल भी हैं, ये भी ब्लॉगर हैं, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं।
तो जी आज हम आए हुए थे, आपको पता है जैसे कि दो दरिया है, आगे आओ ना, दो दरिया आए हुए थे, दो दरिया घूमे, वहाँ पे टिकटॉक्स वगैरह बनाई और फोटोज़ वगैरह जो शूट करनी थी, क्लिक करनी थी इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, तो वो हमने किए। और उसके बाद हम अब्दुल्ला शाह गाजी आए, अब्दुल्ला शाह गाजी के अंदर तो नहीं गए, इसके पीछे ये पार्क जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आए हम और जो भी जुलेस वगैरह लेने थे वो हमने लिए हैं और इन्जॉय काफ़ी किए। और यहाँ से फिर फिलहाल हम कहीं जाएँगे बाहर, थोड़ा हल्का फुल्का जो भी खाना होगा वो खाएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह घर जाएँगे और कल इस व्लॉग को इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ, फिर आपके साथ शेयर करते हैं जहाँ भी जाएंगे जो भी खाएंगे। शाम जो है पुलाव लेने के लिए गए हैं, शाम को यहाँ का पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो है सामने वो। तो जी हम पहुँच चुके हैं घर और जो रास्ते में आते हुए जो है हमने पुलाव लिया था वो वहीं खाएंगे। ये था आज का हमारा व्लॉग, इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमको इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।